हे गाइस, कैसे सारे? आई होप सब से मस्त होंगे। सो सब जानते हो हमारा सामने सरस्वती पूजा रहे, उसके लिए मैं सोचा इसको मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो गाइस, स्क्रीन में जो फोटो दिख रहा हो, तो इस फोटो में बना पिज्जा तो लाल शुभ गेप से, तो माँ सरस्वती पूजा का लिए बनाया। तो इस फोटो में कैसे बनाया, इस वीडियो के अंदर एडिटोर में सब कुछ दिखाऊंगा। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहो। और गाइस, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, मेरे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बुक में लिंक दिया, मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना। और गाइस, इस फोटोइंग करने के लिए जो PNG एंड बैकग्राउंड में यूज़ करा, तो सबका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बुक में दे रखा, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, डाउनलोड नहीं कर सकते तो फिर कमेंट करके बता देना गाइस कि डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मोबाइल स्क्रीन जाना ला, तो आने के बाद ये बैकग्राउंड पिक्जेट के अंदर ओपन करना। इस बैकग्राउंड में खुद ही बनाया हूँ इस फोटोइंग करने के लिए। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर सिंपली एक मॉडल को मैं ऐड कर लूँगा। तो मॉडल का बैकग्राउंड में कैसे इरेज किया वो सब नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन बुक में एक वीडियो का लिंक दिया, हाउ टू इरेज बैकग्राउंड पोर्शनल बैकग्राउंड इरेज, तो आप ये देख सकते हो। तो इस मॉडल को थोड़ा सा हमें इरेज करना होगा, उसके लेना होगा इरेजर के अंदर। यानी कि हार्डनेस को एकदम जीरो करके, साइज को एकदम ज़्यादा करके गाइस नीचे जैसे कुछ इरेज कर देना। तो हल्की सी इरेज कर देना, यहाँ से करने के बाद सिंपली कर देना डन। तो डन करने के बाद गाइस, पहले कुछ PNG ऐड कर लेना। तो डन करो और नहीं करो आपका मर्जी में। तो टेक्स्ट PNG, तो ये टेक्स्ट PNG में खुद ही बनाया। तो नियॉन टेक्स्ट कैसे बनाया, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक, हाउ टू मेक नियॉन टेक्स्ट, उस वीडियो देख सकते हो कैसे मैं इस टेक्स्ट बनाया। ओके, तो सिंपली इस हैप्पी PNG ऊपर लगा दूंगा और सरस्वती पूजा PNG नीचे लगा दूंगा। तो ये मैच हो गया, एकदम अच्छी क्वालिटी फोटो लग रहा है ये लगाने के बाद। तो सिंपली कुछ PNG में ऐड करना होगा। तो ये त्रिलोक PNG में मॉडल का हेड का नीचे लगा दूंगा। ये लगाने के बाद एकदम ऑरिजिनल पूजा के फोटो के जैसा लगेगा, बहुत ही अच्छा फोटो है। तो गाइस, मेरे पास बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपके पास कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बता देना। यहाँ मैं लगा दूंगा, लगाने के बाद इसका जो एपिसोड इसको थोड़ा सा कमा दूंगा। एपिसोड कमाने के बाद गाइस एकदम ऑरिजिनल के जैसा लगेगा। तो और भी कम हो तो एकदम और भी अच्छा लगेगा। तो सिंपली कर दूंगा डन। तो डन करने के बाद गाइस देखो हमारा फोटो कितना अच्छा लग रहा है। तो सिंपल काम किया पिक्चर के अंदर, तो गाइस बहुत ही अच्छे फोटो बन गए बहुत कम टाइम में। तो गाइस, इस फोटो को सिंपली सेव कर लेना मोबाइल पे, ड्रॉ के अंदर जाकर 3 डॉट पे क्लिक कर दे, सेव कर देना। तो इस फोटो हमारा डायरेक्टली लेना होगा लाइट रूम के अंदर। तो लाइट रूम का हीलिंग एंड सिलेक्ट टूल कैसे ऐड करते हैं, आई मीन प्रीमियम वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया। तो आप नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बुक में लिंक दिया, हाउ टू सेलेक्ट हीलिंग टूल, उस वीडियो जाकर देख लेना। ओके, तो इस फोटो हमारा कुछ स्टेप यूज़ करके एडिट करना होगा। तो उसके लिए हमें जाना होगा पहले ब्राइटनेस में, बाइटम में जाने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा और कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कमाना होगा, थोड़ा सा बिश बहुत अच्छा लगेगा। तो सिंपली हमारा हाईलाइट जो है तो उसको मैं थोड़ा सा कमाऊंगा। कमाने के बाद गाइस शेडो जो है उसको मिडिल में रख दूंगा, बड़ा के मिडिल में रख दूंगा, और व्हाइट जो है उसको भी बड़ा के मिडिल में रख दूंगा, और ब्लैक जो है उसको भी थोड़ा सा कमाऊंगा। ये करने के बाद देखोगे फोटोग्राफ में कितना लाइटनेस लुक आ गया। तो इस बार हमारा कलर करेक्शन करना होगा, कलर करेक्शन करने का जाना होगा कलर में। तो मिक्स पर जाना होगा, इस बार मिक्स पर जाने के बाद हमारा सिलेक्ट करना होगा रेड। रेड सिलेक्ट करने के बाद इसका जो ह्यू है इसका -18 के आसपास रख दूंगा, इसका जो ब्राइटनेस है इसको मैं 22 के आसपास 24 के आसपास रख दूंगा। इस बार सिलेक्ट करूँगा हमारा ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर मॉडल के स्किन के कलर है वो सब तो जानते हैं, तो इसके लिए इसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा और इसका जो सैचुरेशन है तो थोड़ा सा कमा दूंगा। कमाने के बाद ह्यू जो है ह्यू को थोड़ा सा कमा दूंगा। कमाने के बाद गाइस ये फोटो बहुत ही अच्छी लगेगा, एकदम ऑरिजिनल फोटो जैसा लगेगा। तो इस ब्लू सेलेक्ट करके आपका इसका सीजन को एकदम -100 कर सकते हो। तो ये हमारा बैकग्राउंड के कलर है जो सिलेक्ट किया, तो इसको मैं इसका ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। बढ़ाने के बाद इसको मैं रेड का ह्यू थोड़ा सा मैच कर दूंगा, -30 के आसपास रख दूंगा। तो ये करने के बाद देखोगे कितना लाइटिंग लुक आ गया हमारे फोटो के बाद, एकदम लाइट चेंज हो, लाइटिंग लुक आया एकदम कलर चेंज हो गया। तो इस बार हमारा जाना होगा HD लुक। तो HD लुक देने के लिए हमारा जाना होगा इफेक्ट में जाने के बाद टेक्सचर को 20 के आसपास रख देना होगा, क्लैरिटी को 20 के आसपास रख देना होगा, डेस्क को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। पानी के बाद थिकनेस जो है उसको मैं थोड़ा सा कमाऊंगा, -6 के आसपास। इस फोटो के ऊपर बहुत सारे नॉइज़ है, तो नॉइज़ रिमूव करने के लिए हमें जाना होगा डिटेल्स में, शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, नॉइज़ रिडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा और क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। ये करने के बाद देखो फोटो के ऊपर जो सारे नॉइज़ था पहले तो सब रिमूव हो गया, एकदम अच्छी HD स्मूथनेस फोटो बन गया। तो गाइस मेरा उम्मीद है वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन पर क्लिक कर देना। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताना ये वीडियो आपका कैसा लगा। तो बाय फीलिंग।